राजकीय चिकित्सालय के बाहर पालन गृह में बुधवार को एक और किलकारी गूंजी। अज्ञात व्यक्ति चिकित्सालय के पालन गृह में एक मासूम बच्चे को छोड़ गया। घंटी बजने पर चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने पालना गृह में देखा तो एक नवजात शिशु नजर आया। फिलहाल नवजात का राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल के पालना गृह में नवजात बच्चों के मिलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पिछले दो साल में पालना गृह में एक दर्जन से ज्यादा नवजात आए हैं। ऐसे में अब लावारिस नवजात को उनके परिजन नालों में फेंकने की बजाय सुरक्षित पालना गृह में छोड़ रहे हैं। बुधवार को पालना गृह की घंटी बजी। पालना गृह प्रभारी डॉक्टर हरीश चौहान ने नवजात को NICU में भर्ती करवाया। जिला अस्पताल में डेढ़ साल में नौवीं बार नवजात शिशु मिला है। बुधवार दोपहर बाद 3 बजे पालना गृह में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नवजात शिशु का वजन 2 किलो 190 ग्राम है। एक दिन पहले ही किसी अस्पताल में डिलीवरी हुई है। बीते कुछ साल में पालना गृह में मिलने वाले नवजातों की संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब लोग सड़क नाले पटरियों पर फेंकने की बजाय नवजात शिशुओं को पालना गृह में छोड़ रहे हैं। पिछले दो साल में एक दर्जन नवजात लोग यहां लावारिस छोड़ गए हैं। इनमें 3 बालोतरा और 9 बाड़मेर में मिले हैं।